इसी जगह पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा साइड में देखें, थोड़ा सा यहाँ से आगे चलेंगे, तो यहाँ पर एक दरगाह बना दी गई है। अगर इस क्लिप को देखने के बाद आप भी यही सोच रहे हो कि किस धर्म का पक्ष लूं, कौन सही है, और अगर मैंने दूसरे धर्म का पक्ष लिया तो मेरे धर्म के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ये क्राइम पेट्रोल वाली दस्तक है। ये वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि आज मैं सभी को बताने वाला हूँ कि अगर कोई धर्म के नाम पर या भगवान के नाम पर आपकी जमीन पर कब्जा कर ले तो आप क्या करें। क्या आप डायरेक्टली उस स्ट्रक्चर को या उस दरगाह को तोड़ सकते हो? अगर कोई हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने की साजिश करे तो आपको क्या करना है, एंड हमारे देश का लॉ इस बारे में क्या कहता है? बट जो कुछ भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बेफिक्र रहो, बिल्कुल क्लीन है, कोई दंगा नहीं, कोई मारधाड़ नहीं। ये वही पेड़ है जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। ये कुरुक्षेत्र की वही जमीन है जहाँ पर अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले अर्जुन को विराट रूप के दर्शन दिए थे। यहाँ रथ भी बना हुआ है, उस सीन को दिखाया गया है प्रॉपर। इस भूमि पर 5000 साल पहले धर्म के लिए युद्ध हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये वही भूमि है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, वही भूमि जहाँ 5000 साल पहले गुरु द्रोण, कर्ण, भीष्म जैसे बड़े बड़े योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। हर साल यहाँ लाखों हिंदू आते हैं अपनी आस्था को लेकर, क्योंकि ये जगह हिंदुओं के लिए बहुत मायने रखती है। और ये यहाँ पर विराट रूप भी दिखाया गया है। इसी जगह पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था और ये बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है यहाँ पर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा साइड में देखें, थोड़ा सा यहाँ से आगे चलेंगे, तो यहाँ पर एक दरगाह बना दी गई है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर की चादर भी है और यही वो दरगाह है। अगर ध्यान से देखोगे साफ देखा जा सकता है कि ये अभी बनाई गई है, हाल ही में, इट्स न्यू कंस्ट्रक्शन, ये पुरानी कंस्ट्रक्शन नहीं है, राइट, बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन, फ्रेश। एंड अनफॉर्चुनेटली ये शिव मंदिर के साथ है, बिल्कुल ये शिवलिंग के साथ बनाई गई है। अब आप बताओ दंगे नहीं भड़केंगे तो क्या होगा? इधर भी शिवलिंग है और जहाँ पर वो है दरगाह बनाई गई है उसके बिल्कुल साथ, ठीक, ये भी अपना शिवलिंग है, ये भी शिव मंदिर है। तो आप खुद बताइए कि अगर इस तरह की हरकत होगी तो दंगे नहीं होंगे तो और क्या होगा? थोड़ी सी पिक्चर को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये जो जगह दिखाई गई है वीडियो में, ये हिंदुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुरुक्षेत्र है, ये वो स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, और ये जगह हिंदुओं के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि लाखों हिंदू अपनी आस्था को लेकर इस जगह के दर्शन करने आते हैं। लेकिन अब पिक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस जगह से थोड़ा सा ही दूर एक दरगाह बना दी गई है जो कि साफ देखा जा सकता है कि इट्स न्यूली कंस्ट्रक्टेड। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दरगाह क्या है और मस्जिद क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। सो दरगाह और मस्जिद में डिफरेंस यह है कि एज पर इस्लाम मस्जिद इज अ हाउस ऑफ गॉड एंड दरगाह ऑन द अदर हैंड इज अ ग्रेव ऑफ अ सेंट, मतलब किसी मुस्लिम महात्मा की या किसी मुस्लिम संत की कब्र। सो यहाँ सोचने वाली बात है, किसी मुस्लिम सेंट की ग्रेव हिंदुओं के इतने पवित्र स्थान पर कैसे? बट क्या आपको लगता है कि ये जो दरगाह है ये 5000 साल पुरानी होगी? सो नाउ द क्राइम इज कि एक इंसान बिना बताए पीठ पीछे किसी प्रॉपर्टी में घुसता है, एंड द प्रॉपर्टी इन आवर प्रेजेंट केस इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा स्थल, मंदिर। वो इंसान प्रॉपर्टी में घुसता है और पीठ पीछे से एक दरगाह कंस्ट्रक्ट कर देता है। एज पर सेक्शन 297 ऑफ इंडियन पिनल कोड, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की धर्म की फीलिंग्स को चोट पहुंचाने के लिए या किसी दूसरे की धर्म की इंसल्ट करने के लिए किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पर यानी किसी पूजा स्थल पर ट्रेसपास करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके लिए इस व्यक्ति को मैक्सिमम 1 साल तक की कैद हो सकती है और फाइन अलग से। क्योंकि मंदिर में घुस के दरगाह बनाना हिंदुओं की धार्मिक फीलिंग्स को चोट पहुंचाना ही है। बट देयर माइट बी चांसेस कि जो प्रॉपर्टी जिस पर मंदिर बना हुआ है वो किसी और की हो और जो प्रॉपर्टी जहां पर दरगाह बनी हुई है वो किसी और की हो। सो तब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि तब ये ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। बट अगर हम एज्यूम करते हैं कि दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एंड हाइपोथेटिकली दोनों प्रॉपर्टीज के ओनर्स डिफरेंट है, या फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो फिर भी एक ऐसी जगह इंटेंशनली दरगाह कंस्ट्रक्ट करना जहां आपको पता है कि लाखों की तादाद में हिंदू आते हैं अपनी आस्था को लेकर, क्योंकि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, ये क्राइम है। सो एज पर सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पिनल कोड, अगर कोई व्यक्ति धर्म को आधार बनाकर
दो कम्युनिटीज के बीच या दो ग्रुप्स के बीच एनिमिटी पैदा करने की कोशिश करता है, शत्रुता पैदा करने की कोशिश करता है, ताकि इससे देश की शांति भंग हो। सो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, जिसके लिए उस व्यक्ति को मैक्सिमम 3 साल तक की कैद हो सकती है और फाइन अलग से। तो क्या आप या कोई और या जिसकी वो प्रॉपर्टी है, क्या वो खुद इस दरगाह को तोड़ सकता है, क्या वो खुद इस स्ट्रक्चर को तोड़ सकता है? सो नहीं, हमें ये नहीं करना। बिकॉज जिन लोगों ने ये कोशिश की है कि एक दरगाह कंस्ट्रक्ट करके हिंदू और मुस्लिम के बीच कम्युनल टेंशन क्रिएट की जा सके, हमें उस कोशिश में भाग लेकर उस कोशिश को अंजाम तक नहीं पहुंचाना है। अगर आपको इस स्ट्रक्चर को तुड़वाना है, then in that case you have to move to a civil court as per the civil law. मैंने इस वीडियो में जिस लॉ के बारे में बताया है, वो क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ इज यूज टू पनिश द एक्यूज्ड, बट ऑन द अदर हैंड सिविल लॉ को तब यूज किया जाता है जब मैटर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, जो कि प्रेजेंटली है। बट अच्छी बात पता है क्या है, कि हम साइमल्टेनियसली एक साथ सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों के ही तहत एक्शन ले सकते हैं। जो भी मैंने आज आपको बताया वो उन फैक्ट्स के बेसिस पे बताया है जो हमें उस वीडियो से पता चले। देयर माइट बी 1000 अदर फैक्ट्स आल्सो व्हिच माइट बी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल इन द प्रेजेंट केस। एक केस में बहुत सारे इश्यूज होते हैं व्हिच ओनली अ कोर्ट कैन रिजॉल्व। इस वीडियो को बनाने का मेरा एम ये था कि मैं आपको क्रिमिनल लॉ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, मैं आपको इतना सक्षम बना सकूं कि कल को अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सको। द एम ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू पास अ जजमेंट ऑन द मैटर। मैं किसी भी तरह से हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच कोई भी कम्युनल टेंशन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि क्या ये दरगाह आपको 5000 साल पुरानी लग रही है, क्या ये कोई साजिश तो नहीं कि कुछ सालों बाद दोबारा से हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच कम्युनल टेंशन क्रिएट की जा सके। एंड ये वीडियो मेरी नहीं है, and that's why I want to say thanks to the person who created this video, because इस वीडियो के बिना इस इशू को समझना, सेक्शंस को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता। That's all.